हरिओम दर्शकों, शहर के प्रसिद्ध सिटी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। चलो आज फिर एक नज़र डालते हैं आज के राशिफल की ओर। और आज है दिनांक 27 अगस्त 2020, गुरुवार है आज, ज्येष्ठा नक्षत्र। और यह नक्षत्र आता है वृश्चिक राशि में। आज का दिन विशेष है, आज जो अदुख नवमी, खासकर महालक्ष्मियों का विसर्जन का दिन है आज। इसी उपलक्ष्य में हर तरफ एक संतोष का, एक समाधान का माहौल बना हुआ है। कोरोना परिवर्तन पर्व के बीच में हम जिस गणेश पर्व और महालक्ष्मी पर्व से गुजर रहे हैं, उसका आनंद अलोभनीय है, विलोभनीय है। तो आज नज़र डालते हैं आज के नक्षत्र फल की ओर। ज्येष्ठा नक्षत्र मूलतः वृश्चिक राशि में आने वाला यह बहुत ही श्रमशील, सेवा निपुण, संकल्प से परिपूर्ण ऐसा नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर जन्मे लोगों को ज़्यादातर जीवन में शुरुआती दिनों में तो बड़ा कष्ट और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका वृद्धापकाल बड़ा ही मनभावन, एक आनंद पर्व के जैसा बीतता है। खासकर ड्रेस कोड जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे इनको काम करने के मौके मिलते हैं, फिर वो डॉक्टर हो, वकील हो, या पुलिस हो, या सीमा पर का सैनिक, लेकिन इन्हें ड्रेस कोड ज़रूर होता ही है इस नक्षत्र पर जन्मे लोगों को। यह नक्षत्र एक जो श्रमशीलता है उसकी देन है। समाज में एक शिस्त का निर्माण करने के लिए, जो व्यवस्थापन का जो एक समन्वय बनाया जाता है, शुचिता बनाई जाती है किसी भी कार्य के लिए, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है यह नक्षत्र। इस नक्षत्र पर क्या करना सबसे अच्छा रहेगा? मौन, मौनम सर्वार्थ साधनम, या अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी यह नक्षत्र एक वरदान है। कहते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र पर अगर हम सरस्वती की उपासना करते हैं या अपनी भाषा को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, तो अपने वाणी से ज़्यादा अपने चेहरे का और आँखों का प्रभाव भी बढ़ता है। बच्चों को अध्ययन के लिए जो रुचि नहीं लेते अध्ययन में, ऐसे बच्चों के लिए अगर इस नक्षत्र पर आप गेहूँ, चना, चावल से बनी हुई सत्तू अगर खिलाते हैं शहद में मिलाकर, तो उनके वाणी में भी बहुत अच्छा सुधार आता है। कर्ण रोग संबंधित व्याधियों के लिए भी यह नक्षत्र सिद्धिदायक बताया है। आँखों की रोशनी भी कम करने की क्षमता इस नक्षत्र पर जन्मे लोगों में होती है। तो जिन जिन बालकों का जन्म इस नक्षत्र पर हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन कि आपके घर में श्रमशीलता ने जन्म लिया है। आलस्य, बेपरवाही, लापरवाही आपकी दूर होने वाली है और सुव्यवस्थापन, स्वच्छता, शिस्त का आगमन आपके घर में हुआ है। उनके माता पिता का भी अभिनंदन। जिन जिन लोगों का जन्मदिन है उनका हमारे सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बधाइयाँ हो। मंगल आपकी सब कामनाएँ, बड़े आपके कदम आपके मंजिल की ओर। इस नक्षत्र फल के बाद देखते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज के शुभ मुहूर्त में देखे जाए तो सबसे पहले चर और अमृत शुभ मुहूर्त सकाळी 6 बजे से 7:30 बजे तक है। चर से अमृत मुहूर्त तक का समय 11:45 से 3:30 तक है। यह हो गया दोपहर का। और रात को अगर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो 6:30 से 9:30 बजे तक आपको चर और अमृत या शुभ मुहूर्त का लाभ मिल सकता है। इसमें आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दे सकते हो, अपने सजे हुए कमज़ोर विचारों को एक मजबूती देकर आगे बढ़ा सकते हो। आज के दिन क्या करना अच्छा रहेगा वो तो आपको बताया है। इस नक्षत्र पर बच्चों के लिए आपको उपाय भी बताया है,
दूसरा इस नक्षत्र पर सफर पर जाना भी शुभ होता है। इस नक्षत्र पर अगर कोई अशुभ स्वप्न गिरता है तो उसका फल भी बहुत बुरा मिलता है, उसका परिहार भी करना आवश्यक होता है। चलो इस नक्षत्र फल के बाद देखते हैं आज के एक दर्शक का भविष्य फल। आज के दर्शक है बहुत ही एक विलक्षण प्रतिभावान, अभिनय कुशल, उछलने कूदने में माहिर, अनुकरणीय एक मानव अभिनेता, बस मौके की तलाश में। इनका नाम है भूषण नाचोने। इनका जन्म है 10 अक्टूबर 1990 का, मूल मोर्शी के निवासी है और जॉब भी करते हैं। भूषण जी, आपने पूछा है कि मेरे कुंडली से आप कुछ बताओ, क्या बताना। अक्टूबर का जन्म है आपका, वो भी 10 तारीख का। बस जितने मित्रों को इकट्ठा कर सकते हो, तृष्णा ही नहीं होती। लोगों को अपने में व्यस्त बनाए रखना, लोगों को निरंतर जुड़ते रहना, लोगों की पूछताछ करते रहना, उनका कौतुक करते रहना, उनको सहानुभूति देते रहना, उनका आनंद मनोरंजन करते रहना, इसी एक कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके भीतर का जो कला गुण है वो अभी सुप्त है, थोड़ा निद्रिस्त है, वो भी अपना विस्तार कर व्याघ्र रूप दिखाने वाला है। आपको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विस्तार बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको किसी बड़ी एड एजेंसी या कोई अच्छे सीरियल में काम का मौका मिल जाए। आपके भीतर की तमन्ना है कि मैं मेरे कुशलता का परिपूर्ण प्रस्तुतिकरण करने का मौका पाऊँ। बिल्कुल, आपका चंद्र बहुत ही उच्च का है और आपका शुक्र एक रसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आप आने वाले दिनों में मशहूर भी हो जाएंगे, अपने पात्रता का एक परिपक्व स्वरूप भी बना पाएंगे और समाज को काफ़ी दिनों तक मनोरंजन कराने का लाभ भी प्राप्त कराओगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में रह के इसी साल शादी का योग भी प्राप्त करेंगे, लेकिन आपका प्रेम विवाह की संभावना बहुत कम है। आपका अरेंज मैरिज होगा। हो सकता है आपको प्रेम की पीड़ा काफ़ी दिनों तक सताए, लेकिन वो आपके भीतर के शक्ति को, सुप्त गुणों को ऊपर निकाल कर विस्तारित करने वाली है। आपके भीतर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकालने का कार्य आपके प्यार ने किया हुआ है। चलो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने जो हमको एक सवाल पूछा है कि पंडित जी थोड़ा स्वभाव के बारे में बताएं। देखिए, स्वभाव एक भाव ही है, जहाँ भी ले जाता है हमें हमारा स्वभाव ही ले जाता है, और फिर हम आदतों से तय करते हैं कि फिर वहाँ जाना कि नहीं। तो हमारी एक स्वभाव एक ऐसी संपत्ति है कि वो हमारे संस्कार के पोषण पर चलती है। हमारे मन को मैला या शुद्ध करने की पूरी क्षमता हमारे स्वभाव में होती है। स्वभाव को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो वाचन, भाषा का सम्मान, भाषा शुद्ध बोलने की आदत जिन लोगों को है उनके स्वभाव में अनायास से परिवर्तन आता ही है। अन्यथा आसपास का माहौल हमारे स्वभाव को बदलने में काफ़ी खंडन मंडन वंदन करा के हमें एक सीधा आदमी बनाते ही रहते हैं। फिर भी आपके स्वभाव के बारे में बताया जाए तो आप तो एक अभिनेता हो, आपके स्वभाव का कोई समय नहीं है। जो पात्र सामने आए जिसमें खो जाना पड़े वही आपका स्वभाव। आपको एक अच्छे स्वभाव की देन भी प्राप्त है। चलो आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद देख लेते हैं कैसा रहेगा आज के दिन 12 राशियों के लिए। मेष राशि, आपको कहीं तो कुछ गलती की है ऐसा लग रहा है। जो निर्णय मैंने नहीं लेना था वो मैंने बेकार में ले लिया, कहीं मैं भावनाओं में तो नहीं बह गया, मैं अपने आप को समझने में कोई मैं कठिनाई तो नहीं कर रहा, एक नासमझी तो नहीं कर रहा। एक आत्म परीक्षण से गुजर जाएंगे आप और उसका जवाब आपका मन जो दे रहा है उस पर आपका विश्वास नहीं बैठेगा। आप किसी परामर्श लेकर खुद को रिफ्रेश कर सकते हो। वृषभ राशि, उत्साह आपको हर बात का है, जानने की कोशिश हर चीज़ की है, लेकिन उसे आप हर वेबसाइट पे, हर किताब में पा सकते हो। हर बार उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं। जो ज्ञान घर में उपलब्ध है उसके लिए समय व्यतीत करने की, ध्यान व्यर्थ करने की क्या ज़रूरत है।
आपको रोक टोक का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि को अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि किसी की कृपा से मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, मानो मेरे लिए भी परमात्मा ने अपनी एक वक्र दृष्टि रखी थी और उस पर मुझे पूरी किरण दे दी है। मैं मेरे जीवन में रान पुत्र से अब राजपुत्र हो गया, एक साफ सुथरे जीवन का अधिकारी बन गया और शहर में मैं आराम से भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। कर्क राशि, कर्क राशि के व्यक्तियों को दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत बोर हो जाएगा, किसके आदेश पालना जान पर आ जाएगा। सब कुछ छोड़कर कुछ स्वतंत्र कामयाबी हासिल कर ले, एक छोटा सा क्यों न हो अपना मुकाम हासिल कर ले, इस बात की तरफ आज आपका चिंतन रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के व्यक्तियों को आसपास के लोगों से बहुत पीड़ा हो सकती है, जो बातें मन से नहीं खुलना चाहिए वो खुलने की संभावना बढ़ रही है। कोई कितना भी दर्पण लाए, आप अपने अड़ीक संकल्प पर बने रहना, क्योंकि आपके मन की बातें बहुत माहौल बिगाड़ सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि के व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में क्या किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, बुरा किया जाए या निष्क्रिय रहा जाए, पॉजिटिव रहे तो कैसे रहे, नेगेटिव रहे तो कैसे रहे या न्यूट्रली बने रहे, बस बहुत सोच समझ में चिंतन में चला जाएगा आज आपका दिन। तुला राशि, तुला राशि के लोगों का आज अपने बच्चों की परवाह रहेंगी, उनके अध्ययन की चिंता रहेंगी, कहीं मेरे बच्चे कुमार पर तो न चले जाए, इस बात का डर भी रहेगा, लेकिन विश्वास रखे बगैर कोई पर्याय नहीं। जो भी हो रहा है उनके आत्मा से प्रभाव से हो रहा है, उनके आत्मा के प्रभाव से हो रहा है, यह विश्वास आपको शांति देगा। धनु राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों को आज बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, मनपसंद मेहमान का आगमन होगा, मनपसंद आपको सम्मान मिल जाएगा, हो सकता है आपका कोई आतिथ्य करे, आपकी सेवा करे। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को मन में डर रहेगा, चिंता रहेगी, सपना तो देखा है लेकिन पूरा कैसे होगा, व्यवस्था कैसे होगी, बहुत सारे मन में डर घेरे हुए है, आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, किसी का सहारा चाहूँगी आ जाओ। मकर राशि, काम तो करना हर है लेकिन उम्र कम पड़ रही है, अनुभव कम पड़ रहा है, एक हौसला है कुछ हासिल करने का, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ, इस बात की चिंता में आज का दिन चला जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को बड़प्पन का शौक है, आज उनका बड़प्पन पूरा हो जाएगा, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति के रूप में साबित करने की इच्छा तो है लेकिन उस अनुसार आचरण और माहौल सहायक नहीं बन रहा, इस बात की पीड़ा भी रहेंगी। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को प्रतीक्षा पड़ी हुई है कि कब अवसर वस्तु स्थिति में रूपांतरित हो जाए, कब हम उस मंगल घड़ी का सामना करें सहर्ष और सावधान बोलते हुए अपनी कन्या को अलविदा करें, बस कोशिश में समेटने में एक संपन्न कराने की फिक्र में लगे हुए आप। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शकों, अगर आप दर्शक हैं सिटी न्यूज़ चैनल के या हमारे क्लाइंट हैं तो आपका सवाल जन्म तारीख के साथ इस नीचे दिए हुए नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, घंटी दबाकर इसके नोटिफिकेशंस भी आपको नित्य आएंगे। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर, सभी मीडिया पर देख सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। इसको लाइक और कमेंट करना भी आपके लिए एक आत्मसम्मान की बात होगी कि मैंने जो देखा है मैं इसमें कसूर क्यों छोड़ूं, कंजूसी क्यों रखूं। चलो कल होंगी आपसे फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। देखते रहेगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।